हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ऑल टाइम टॉपर्स के यूट्यूब परिवार में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर साथियों हम बात करने वाले हैं BSTC 2022 पेपर में साथियों 8 अक्टूबर को साथियों राजस्थान से संबंधित 50 प्रश्नों के साथियों बारे में हम कंप्लीट जानकारी करने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहला जो क्वेश्चन था साथियों आपका, वो था आपका कि 1857 की क्रांति में राजस्थान की छावनियां थी साथियों 6 छावनियां। बिजोलिया आंदोलन की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य कब जाते हैं, तो अप्रैल 1919 में जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था साथियों, नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक विजय सिंह फतेह को जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था साथियों, कालीबंगा का निर्देशन किसके नेतृत्व में हुआ, तो कालीबंगा का साथियों जो ठीक है जो खुदाई होती साथियों किसके नेतृत्व में, एक तो बीबीलाल थापर बीकेलाल और बीबीलाल थापर हो जाएंगे। कोटा राज्य के संस्थापक हो जाएंगे साथियों माधो सिंह और अही छत्रपुर साथियों हो जाएगा नागौर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों आपका था कि सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। नेक्स्ट अगला, निर्वाचन आयोग का राज्य में गठन होता है साथियों, तो जुलाई 1994 और राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये साथियों विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट अगला हो जाएगा साथियों आपका, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट अगला हो जाएगा, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना तो जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। पूनावाड़ा सत्याग्रह का संबंध साथियों डूंगरपुर से हो जाएगा, पूनावाड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट अगला है साथियों, बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है साथियों, रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसके समय में हुई थी, तो साथियों ये जो क्वेश्चन है साथियों ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है कि राजस्थान स्टेट केमिकल्स की 3 इकाइयाँ कहाँ पर स्थापित की गई हैं, तो डीडवाना नागौर बाड़मेर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना तो ये हो जाएगी साथियों 17 जनवरी 1955 को, और कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पॉटरी से है, और साथियों 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में हो जाएगी, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है साथियों बूंदी में स्थित है। साथियों जितने भी साथियों आपके 50 प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की साथियों मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। अगर साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ठीक है साथियों। नेक्स्ट अगला हो जाएगा साथियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार तो बीकानेर हो जाएगा 1955 में स्थापना, और साथियों कुचामनी ख्याल का संबंध आपका लच्छीराम का संबंध साथियों कुचामनी ख्याल से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, बाड़मेर सांचौर बेसिन किसके लिए जाना जाता है, तो ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, और देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क आपका बड़ला जोधपुर हो जाएगा, और सबसे बड़ा कृषि फार्म आपका सूरतगढ़ गंगानगर हो जाएगा, और वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा वन रिपोर्ट में, तो ये हो जाएगा साथियों प्रतापगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है साथियों आपका, राजस्थान भौतिक प्रदेश कितने भागों में बांटा गया है, तो साथियों 5 भागों में। बिड़ला सीमेंट का कारखाना साथियों ये भी मैं बताऊंगा अभी है ना, तो साथियों सर्वाधिक नदी वाला संभाग आपका कोटा हो जाएगा, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, काली मिट्टी राजस्थान के किस जिले में, तो साथियों वहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन होंगे आपके सामने, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है वो लगती है साथियों आपकी 1070, और जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है, तो पलाश को कहा जाता है, और ग्रासियों का नृत्य साथियों बालर नृत्य हो जाएगा। गलत युगों में बताइए तो पाबोजी कोलुमंड, और साथियों रामदेव जी रूणेचा, गोगा जी ददरेवा, और मल्लीनाथ खड़नाल, तो साथियों मल्लीनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी बाड़मेर इसका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और साथियों सांझी पूजन कौन करता है, तो कुंवारी कन्याओं के द्वारा सांझी पूजन होता है, और महाशिवरात्रि का त्यौहार साथियों फाल्गुन कृष्ण 13 को मनाया जाता है, और साथियों राज्य खेल हो जाएगा बास्केटबॉल, 1948 में 5 खिलाड़ी होते हैं ना। नेक्स्ट अगला हो जाएगा साथियों, मारवाड़ री प्रगरारी भगत के पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे साथियों मूढ़ नैण सिंह, और आदिवासियों का कुंभ साथियों वेणेश्वर डूंगरपुर, और मेरे प्यार साथियों खैराड़ी बोली हो जाएगी टोंक भरतपुर से टोंक भीलवाड़ा से संबंधित है, और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन आपका 1919 हो जाएगा, 1999 सॉरी क्या हो जाएगा 1999। नेक्स्ट आपका, 40वां महोत्सव आपका सिंधी समाज से संबंधित है,
और कृष्णा क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। अरे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णा क्रांति का संबंध साथियों, ये पूछा गया था है ना, पूछा गया था कृष्णा क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया कि बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र क्या हो जाएगा, मेवर हो जाएगा, और गढ़ बिटली दुर्ग तारागढ़ के नाम से, ठीक है। और नेक्स्ट अगला है साथियों, गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया था 1927 में, अजमेर का राज्य में विलय हुआ था 1956 में, और साथियों गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा जयपुर, और तथ्यवाद यंत्र नहीं है साथियों, यह अलगोजा हो जाएगा ऑप्शन में अनुसार। नेक्स्ट अगला हो जाएगा साथियों, भालातल सभ्यता उदयपुर में हो जाएगी, और साथियों ऊँट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है साथियों बीकानेर शैली में। तो मेरे प्यार साथियों, मैंने यहाँ पर जल्द से जल्द साथियों आपको 50% साथियों आपको बता दिए हैं कम समय में साथियों ना। और मेरे प्यार साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अगले वीडियो में। राम राम सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।